नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि हाल ही में किया ने अपना दूसरा प्रोडक्ट कार्निवल के रूप में भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। कार्निवल को टोटल 3 वेरियंट्स में लॉन्च किया है दोस्तों, प्रीमियम, प्रेस्टीज एंड लिमोसिन। प्रीमियम कार्निवल का बेस वेरिएंट है जिसकी 7 सीटर के लिए प्राइस स्टार्ट होती है 24,95,000 रुपीज़ से और 8 सीटर में ही आपको मिलेगा 25,15,000 रुपीज़ का। किया का जो कार्निवल का टॉप एंड वेरिएंट है उसकी प्राइस है दोस्तों 33,95,000 रुपीज़। इस वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करूंगा दोस्तों, वो सारी की सारी एक शोरूम कॉस्ट मुंबई होंगी। अपने शहर में एक्सैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। वैसे तो किया कार्निवल एक बेहद ही खूबसूरत और फीचर रिच कार है, लेकिन इस वीडियो में हम उसके केवल कमियों के बारे में यानी कि नेगेटिव्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि किया कार्निवल के तारीफों के फूल बांधने वाले कई सारे वीडियोज़ आपको पूरे YouTube पर मिल जाएंगे दोस्तों, लेकिन उसकी कमियां बताने वाला शायद ही कोई वीडियो आपको पूरे YouTube पर मिल जाए। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसे ध्यान से देखते वक्त अपने जहन में एक बात ज़रूर फिट कर लीजिएगा दोस्तों कि किया कार्निवल एक प्रीमियम एमपीवी है जिसके बेस मॉडल की कीमत 25 लाख रुपए से शुरू होती है, क्योंकि इस बात का जिक्र इस पूरे वीडियो में अब कई बार आने वाला है। किया इंडियन कंज्यूमर को बहुत हल्के में लेता है और आज भी इंडियन कंज्यूमर को गया गुजरा समझता है। किया को लगता है कि हम आज भी सपेरों की दुनिया में आज़ादी से पहले वाले वक्त में जी रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कार्निवल के 25 लाख रुपए से शुरू होने वाले बेस वेरिएंट में फीचर्स देते वक्त किया ने जिस तरह की और जैसी गलतियां की है वो गलतियां किया बिल्कुल नहीं करता। जहां पर एक तरफ बाकी सारी कंपनियां पूरी दुनिया में फीचर्स की बारिश कर रही है, वहां पर 25 लाख रुपए के वेरिएंट में किया ने बेसिक से बेसिक फीचर्स भी ऑफर नहीं कर रहे हैं, जो आज की रेट में आपको मारुति ऑल्टो जैसी कार जो कि 3 लाख रुपए से अप्रोक्सीमेटली शुरू हो जाती है उस गाड़ी में भी मिल जाते हैं। किया के बेस वेरिएंट के फीचर्स को देखते वक्त मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि मैं बारिश में किसी खूबसूरत वाटरफॉल के नीचे रेनकोट पहनकर खड़े होने जैसा लगता है। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल रही है, इंडियन कंज्यूमर भी बदल रहा है और आज की डेट में हर कोई अपनी गाड़ी में दोस्तों मॉडर्नेज अप मार्केट फीचर्स चाहता है। हालांकि इसमें से कई सारे फीचर्स आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिल जाते हैं, लेकिन इस बात को बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि बेस वेरिएंट 25 लाख रुपए का आता है। तकरीबन 40 ऐसे फीचर्स हैं दोस्तों जो किया कार्निवल के बेस वेरिएंट से मिसिंग हैं। उन सारे फीचर्स को डिटेल में और बारीकी से जानने के लिए मैं आप सभी को उन्हें एक्सटीरियर, इंटीरियर, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, इंफोटेनमेंट एंड सेफ्टी में सेग्रीगेट करके बताता हूं। शुरुआत करेंगे एक्सटीरियर से और सबसे पहला फीचर दोस्तों जो किया कार्निवल के बेस वेरिएंट एक्सटीरियर में मिसिंग है वो है क्रोम गार्निश ऑन फ्रंट ग्रिल। किया कार्निवल के बेस वेरिएंट में आपको फ्रंट ग्रिल पर क्रोम की गार्निश नहीं मिलती, जबकि मार्केट में ये फीचर मारुति ऑल्टो K10 से मिलना शुरू हो जाता है। मारुति ऑल्टो K10 के टॉप एंड वेरिएंट की प्राइसिंग 4,17,000 रुपीज़ तक मिल जाती है। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 4,17,000 रुपीज़ से लेके 23,60,000 रुपीज़ के ब्रैकेट में मारुति ऑल्टो K10 से लेकर स्कोडा ऑक्टाविया तक, जिसमें हैचबैक, प्रीमियम हैचबैक, सलून, सेडान, एसयूवी, मिनी एसयूवी जैसी कुल मिलाकर 72 ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें ये फीचर देखने को मिल जाता है, लेकिन 25 लाख रुपए वाली किया की कार्निवल में आपको ये फीचर नहीं मिलता है। यहां तक कि किया की सेल्टॉस में भी आपको ये फीचर देखने को मिल जाता है जिसके टॉप एंड वेरियंट की कॉस्ट 16,29,000 रुपीज़ है। एक्सटीरियर में दूसरा फीचर है दोस्तों रूफ रेल। किया कार्निवल के बेस वेरिएंट में आपको रूफ रेल्स देखने को नहीं मिलते, जबकि मार्केट में मारुति सेलेरियो एक्स में ये फीचर मिलना शुरू हो जाता है। मारुति सेलेरियो एक्स के टॉप एंड वेरिएंट की कीमत आपको 5,72,300 रुपीज़ तक मिल जाती है। 5,72,300 से लेकर 25 लाख रुपए के ब्रैकेट में दोस्तों मारुति सेलेरियो एक्स से लेकर ह्यूंडई की टुसों तक 25 ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें किया की अपनी सेल्टॉस भी शामिल है, उन सभी गाड़ियों में ये फीचर मिल जाता है, लेकिन 25 लाख रुपए के कार्निवल में ये फीचर देना किया ने उचित नहीं समझा है। एक्सटीरियर में तीसरा फीचर है दोस्तों LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प।
किया कार्निवल के बेस वेरिएंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तो मिल जाते हैं लेकिन एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिलते, जबकि मार्केट में ये फीचर मारुति इग्निस से मिलना शुरू हो जाता है। मारुति इग्निस का टॉप एंड वेरिएंट आपको मिल जाएगा 7,22,000 रुपीज़ का। 7,22,000 रुपीज़ से लेकर 22,45,000 रुपीज़ के ब्रैकेट में मारुति इग्निस से लेकर होंडा सिविक तक कुल मिलाकर 11 ऐसी गाड़ियां हैं दोस्तों जिनमें आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। उसके बावजूद भी किया ने अपनी 25 लाख रुपए की कार्निवल में ये फीचर देना ज़रूरी नहीं समझा। एक्सटीरियर में चौथा फीचर है दोस्तों एलईडी टेल लैम्प। किया कार्निवल के बेस वेरिएंट में जो कि 25 लाख रुपए का आता है आपको एलईडी टेल लैम्प्स नहीं मिलेंगे दोस्तों, जबकि मार्केट में ये फीचर आपको रेनो की क्विड जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 3,22,000 रुपीज़ से लेके इसका टॉप एंड वेरिएंट आपको मिल जाएगा 5,01,190 रुपीज़ का। 3,22,000 रुपीज़ से लेकर 22,45,000 रुपीज़ के ब्रैकेट में रेनो क्विड से लेकर होंडा सिविक तक कुल मिलाकर 22 ऐसी गाड़ियां आपको मिल जाएंगी दोस्तों, जिसमें किया की सेल्टॉस भी शामिल है जिसमें आपको एलईडी टेल लैम्प का फीचर मिल जाएगा, लेकिन 25 लाख रुपए वाले कार्निवल में आपको ये फीचर देना किया को सही नहीं लगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंटीरियर्स के बारे में, और इंटीरियर में सबसे पहला फीचर है जो किया ने अपनी 25 लाख रुपए की कार्निवल में नहीं दिया है वो है लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, जबकि मार्केट में ये फीचर रेनो की क्विड से मिलना शुरू हो जाता है। रेनो क्विड की प्राइसिंग 3,22,000 रुपीज़ से शुरू होकर टॉप एंड वेरिएंट 5,01,190 रुपीज़ तक मिल जाता है। 3,22,000 रुपीज़ से लेकर 25 लाख रुपए के ब्रैकेट में दोस्तों रेनो क्विड से लेकर ह्युंडई की टुसों तक 38 ऐसी अलग अलग गाड़ियां आती हैं जिन गाड़ियों में ये फीचर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें किया की सेल्टॉस भी शामिल है। उसके बावजूद 25 लाख रुपए की कार्निवल में ये फीचर देना किया को ज़रूरी नहीं लगा। इंटीरियर में दूसरा फीचर है दोस्तों आर्टिफिशियल या फिर लेदरेट या फिर लेदर अपहोल्स्ट्री। किया कार्निवल के बेस वेरिएंट में आपको ना ही आर्टिफिशियल, ना ही लेदरेट, ना ही लेदर सीट अपहोल्स्ट्री मिलती हैं दोस्तों, जबकि मार्केट की अगर हम बात करें तो ये फीचर ह्युंडई की वेन्यू से मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 6,55,000 रुपीज़ से और टॉप एंड वेरिएंट जाता है 11,15,500 रुपीज़ तक। 6,55,000 रुपीज़ से लेकर 25 लाख रुपए के ब्रैकेट में दोस्तों ह्युंडई की वेन्यू से लेकर होंडा सिविक तक या फिर स्कोडा ऑक्टाविया तक कुल मिलाकर 25 ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें किया की सेल्टॉस भी शामिल है, जिसमें आपको आर्टिफिशियल या फिर लेदरेट या फिर लेदर सीट अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाती है, लेकिन कार्निवल के 25 लाख रुपए के वेरिएंट में आपको ये फीचर नहीं मिलता। दोस्तों अब मुड़ते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की तरफ, और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में सबसे पहला फीचर है जो किया कार्निवल के बेस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा वो है ड्राइवर साइड पावर विंडो वन टच ऑटो अप एंड डाउन विथ एंटी पिंच गार्ड सिस्टम। किया कार्निवल के बेस वेरिएंट में आपको ड्राइवर साइड पावर विंडो विथ वन टच डाउन का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन वन टच ऑटो अप ऑटो डाउन अलॉन्ग विथ एंटी पिंच गार्ड का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। मार्केट की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये फीचर मारुति सुजुकी स्विफ्ट से मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 5,19,000 रुपीज़ से लेकर टॉप एंड वेरिएंट जाता है 8,84,000 रुपीज़ तक। 5,19,000 रुपीज़ से लेकर 16,30,000 रुपीज़ के ब्रैकेट में जिसमें किया की सेल्टॉस भी शामिल है दोस्तों, कुल मिलाकर 12 ऐसी गाड़ियां आती हैं जिसमें ये फीचर शामिल है, आपको ये फीचर मिल जाता है। होंडा सिविक की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें चारों के चारों पावर विंडोज वन टच ऑटो अप ऑटो डाउन एंड एंटी पिंच गार्ड के साथ में मिलते हैं, उसके बावजूद भी किया कार्निवल के 25 लाख रुपए के वेरिएंट में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में दूसरा फीचर है दोस्तों सेकेंड एंड थर्ड रो के लिए सनशेड कर्टन्स। हालांकि ये फीचर कुछ गिनी चुनी गाड़ियों में ही मिलता है जैसे कि ह्युंडई की वेरना, किया की सेल्टॉस, टोयोटा की इनोवा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट टाटा नेक्सॉन। उसके बावजूद भी अगर हम देखा जाए तो इन सभी गाड़ियों की प्राइसिंग किया कार्निवल के 25 लाख रुपए के वेरिएंट से काफ़ी कम है, उसके बावजूद भी इन गाड़ियों में ये फीचर मिल जाता है, लेकिन कार्निवल के 20 वेरिएंट में ये फीचर देना किया को ज़रूरी नहीं लगा। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में तीसरा फीचर है दोस्तों सारी की सारी एलईडी लाइट्स। किया कार्निवल के 20 वेरिएंट में आपको सारे के सारे लाइट्स जैसे कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प, टेल लैम्प हो गए, केबिन लैम्प हो गया, बूट लैंप हो गया, यहाँ तक कि वैनिटी मिरर का जो बल्ब है वो सारे के सारे बल्ब्स में आते हैं, एलईडी लाइट्स में नहीं आते हैं, जबकि मार्केट में ये फीचर लोवेस्ट से लोवेस्ट देखा जाए तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट से शुरू हो जाता है दोस्तों।
मारुति सुजुकी स्विफ्ट के अलावा कई सारी गाड़ियां हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी डिजायर, मारुति सुजुकी एक्सेल 6 और होंडा सिविक जैसी कई गाड़ियों में आपको सारे के सारे बल्ब्स एलईडी मिल जाते हैं। उसके बावजूद भी 25 लाख रुपए से शुरू होने वाले बेस वेरिएंट में किया कार्निवल में ये एलईडी लाइट्स का फीचर आपको नहीं मिलता। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में चौथा फीचर है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट अलॉन्ग विथ लंबार सपोर्ट एंड मेमोरी फंक्शन। किया कार्निवल का बेस वेरिएंट जो कि 25 लाख रुपए से शुरू होता है उसमें आपको मैन्युअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं मिलती है। हालांकि मार्केट की अगर हम बात करें तो ये फीचर आपको ह्यूंडई की क्रेटा से मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 9,99,990 रुपीज़। इसका टॉप एंड वेरिएंट आपको मिलेगा 15,71,000 रुपीज़ का। 10 लाख रुपीज़ से लेकर 25 लाख रुपीज़ के ब्रैकेट में दोस्तों ह्यूंडई क्रेटा से लेकर ह्यूंडई टूसों तक तकरीबन 10 ऐसी गाड़ियां आपको मिल जाएंगी जिसमें किया की सेल्टॉस भी शामिल है, जिसमें आपको 6 वे, 8 वे, 10 वे और 12 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट विथ लंबार सपोर्ट मिल जाएगा। टाटा हैरियर और ह्यूंडई की एलेंट्रा दो ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें आपको लंबार सपोर्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। स्कोडा की ऑक्टाविया की अगर हम बात करें तो उसमें आपको मेमोरी फंक्शन का ऑप्शन भी मिल जाता है, और एमजी हेक्टर की अगर हम बात करें दोस्तों तो उसमें फ्रंट में को पैसेंजर सीट जो है वो भी 4 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिल जाती हैं। लेकिन किया कार्निवल के बेस वेरिएंट में जिसके लिए आपको 25 लाख रुपए अपनी जेब से ढीले करने पड़ेंगे उसमें ये फीचर देना किया को ज़रूरी नहीं लगा। कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस में पाँचवा फीचर है दोस्तों वेंटिलेटेड सीट्स। किया कार्निवल के बेस वेरिएंट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती, जबकि मार्केट की अगर हम बात करें तो ये फीचर आपको ह्यूंडई की क्रेटा से मिलना शुरू हो जाता है। ह्यूंडई क्रेटा के अलावा किया की अपनी सेल्टॉस, ह्यूंडई की वेरना और ह्यूंडई की एलेंट्रा जैसी गाड़ियों में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाते हैं। उनकी सभी की प्राइसिंग अगर देखें तो किया कार्निवल के बेस वेरिएंट से इन सभी की प्राइसिंग काफ़ी कम है। कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस में छठा फीचर है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। मार्केट में कई सारी गाड़ियां हैं जैसे कि होंडा की सिविक, ह्यूंडई टूसों जैसी गाड़ियां जिनमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का फीचर आपको मिल जाएगा, लेकिन किया कार्निवल इकलौती ऐसी गाड़ी होगी जिसके बेस वेरिएंट में 25 लाख रुपीस लगाने के बावजूद भी किया को ये सही नहीं लगा कि वो अपनी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का फीचर दे दे। कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस में सातवां और आखिरी फीचर है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिकली ऑटोफोल्ड ORVMs। मार्केट में कम से कम 50 से 60 ऐसी गाड़ियां आपको मिल जाएंगी दोस्तों जिसके टॉप एंड वेरिएंट में आपको ऑटोफोल्ड ORVM का फीचर मिल जाएगा। इन गाड़ियों की रेंज की अगर हम बात करें तो 10 लाख रुपए से लेकर 23 लाख रुपीस के ब्रैकेट के अंदर ये सारी गाड़ियां आपको मिल जाएंगी। उसके बावजूद भी एक्सपेंसिव होने पर किया कार्निवल में किया को ऐसे नहीं लगा कि उसके बेस वेरिएंट में ये फीचर इंक्लूड किया जाए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन्फोटेनमेंट के बारे में। इन्फोटेनमेंट में सबसे पहला फीचर है जो आपको किया कार्निवल के बेस वेरिएंट में नहीं मिलता है, वो है म्यूजिक सिस्टम बाय हार्मन कार्डन विथ 8 और 9 स्पीकर्स। दोस्तों आप सभी को मालूम ही होगा कि टाटा की लगभग हर एक गाड़ी में आपको म्यूजिक सिस्टम बाय हार्मन कार्डन देखने को मिलेगा। कुछ गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट में आपको 8 या 9 JBL के स्पीकर्स मिल जाएंगे। निसान की किक्स अगर आप देखोगे तो उसमें आपको बोस के स्पीकर्स मिलते हैं, यहाँ तक कि किया की सेल्टॉस में भी आपको बोस के स्पीकर्स मिल जाते हैं। टाटा के गाड़ियों की टॉप एंड वेरिएंट की अगर हम बात करें तो टाटा टियागो शुरू हो जाती है 6,60,000 में आपको टॉप एंड वेरिएंट मिल जाएगा, वहीं टाटा हेक्सा आपको मिलेगी 19,11,000। इन सभी गाड़ियों से महंगी होने के बावजूद भी किया ने अपने कार्निवल के बेस वेरिएंट में म्यूजिक सिस्टम बाय हार्मन कार्डन विथ 8 और 9 स्पीकर्स देना मुनासिब नहीं समझा। अगला फीचर है दोस्तों वायरलेस चार्जिंग पैड। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि ह्यूंडई की ग्रैंड i10 नियोस और उससे ऊपर की सभी गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट में आपको वायरलेस चार्जिंग पैड का ऑप्शन या फिर फीचर देखने को मिल जाता है, यहाँ तक कि किया की सेल्टॉस में भी आपको ये फीचर देखने को मिल जाता है। ह्यूंडई की गाड़ियों की टॉप एंड वेरिएंट्स की अगर हम प्राइस रेंज चेक करें तो ग्रैंड i10 नियोस का टॉप एंड वेरिएंट आपको मिलेगा 8,04,450 रुपीज़ में, वहाँ से लेके एलेंट्रा तक एलेंट्रा का टॉप एंड वेरिएंट आपको जाएगा 20,39,000 रुपीज़ तक। इन सभी गाड़ियों से अपनी प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद भी किया के कार्निवल बेस वेरिएंट में आपको वायरलेस चार्जिंग पैड का ऑप्शन नहीं मिलता, ना ही लैपटॉप चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों
दोस्तों अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, जो कि है सेफ्टी। सेफ्टी के नाम पर किया कार्निवल के बेस वेरिएंट में आपको मिलता है केवल ड्यूअल एयरबैग, ABS और EBD। जहां तक मार्केट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये सारे फीचर आपको मारुति की ऑल्टो से मिलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 2,99,800 रुपीज से। इसके अलावा भी कई सारे फीचर्स हैं दोस्तों जो आपको किया कार्निवल के बेस वेरिएंट में नहीं मिलते, जैसे कि इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट। निसान और रेना की लगभग हर एक गाड़ी के टॉप एंड वेरिएंट में आपको ये फीचर मिल जाएगा। अगला फीचर है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। उसके बाद में आता है दोस्तों हिल होल्ड असिस्ट या फिर हिल होल्ड कंट्रोल का फीचर। उसके बाद में आपको नहीं मिलता रोल ओवर मिटिगेशन। उसके बाद में आपको दोस्तों नहीं मिलेगा कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल का फीचर। किया कार्निवल के बेस वेरिएंट में किसी भी तरीके से आपको 4 या फिर 6 या फिर 8 एयरबैग नहीं मिलेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड इम्पॉर्टेंट, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आपको इसके बेस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलते हैं। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि टाटा नेक्सॉन के बेस वेरिएंट से ही इनमें से कई सारे फीचर्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफर कर देता है, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती दोस्तों। इसके अलावा भी कई सारे फीचर्स हैं जो इससे कम कीमत वाली कई सारी गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं, लेकिन किया कार्निवल के बेस वेरिएंट में उसका नामो निशान तक आपको देखने को नहीं मिलता। शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ से। जी हाँ दोस्तों, किया कार्निवल के बेस वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ नहीं मिलता। इसके सेकेंड टॉप और टॉप एंड वेरिएंट में आपको ड्यूअल पेन सनरूफ देखने को मिल जाएगा। मेरी मानिएगा तो बेस वेरिएंट में ड्यूअल पेन सनरूफ देना चाहिए था और सेकेंड टॉप और टॉप एंड वेरिएंट में फुल पैनोरामिक सनरूफ अवेलेबल करवाना चाहिए था। नेक्स्ट इज दोस्तों एयर प्यूरिफायर। जी हाँ दोस्तों, Hyundai की कई सारी गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट में, यहाँ तक कि किया के सेल्टॉस में भी आपको एयर प्यूरिफायर का फीचर मिल जाता है, लेकिन किया कार्निवल के बेस वेरिएंट में आपको ये फीचर नहीं मिलता। नेक्स्ट इज दोस्तों स्मार्ट पावर टेलगेट का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको इस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलता। अगला फीचर है दोस्तों कम से कम एक या फिर मल्टीपल ड्राइव मोड्स। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि टाटा की लगभग हर एक गाड़ी में आपको मल्टीपल ड्राइव मोड्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों मल्टीपल ट्रैक्शन मोड। किया सेल्टोस के टॉप एंड वेरिएंट की कीमत है 16,29,000 रुपीज। उसमें भी आपको दोस्तों मल्टीपल ड्राइव मोड्स और मल्टीपल ट्रैक्शन मोड देखने को मिल जाते हैं, लेकिन 25 लाख रुपीज़ की कार किया कार्निवल में आपको ये फीचर्स देखने को नहीं मिलते। है ना ताज्जुब की बात। किया कार्निवल के बेस वेरिएंट में दोस्तों आपको फ्रंट विंडशील्ड और विंडो ग्लासेस यूवी कट नहीं मिलते, जबकि मार्केट की अगर हम बात करें तो मारुति की बलेनो में आपको ये फीचर मिल जाता है दोस्तों। इसके अलावा आपको इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग का फीचर नहीं मिलता। इसमें आपको हीटेड ORVMs भी नहीं मिलते, जो कि महिंद्रा XUV300 में और MG की हेक्टर में आपको देखने को मिल जाते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स इसमें आपको देखने को नहीं मिलते। ब्रेक डिस्क वाइपिंग का फीचर भी आपको नहीं मिलता, ना ही इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल का ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में मिलता है। किया कार्निवल के इस वेरिएंट में दोस्तों आपको मल्टीपल स्टीयरिंग मोड्स का ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि महिंद्रा की XUV300 में मिल जाता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होने के बावजूद भी आपको इसमें पेडल शिफ्टर्स नहीं मिलते, जबकि होंडा की कई सारी गाड़ियों में आपको पेडल शिफ्टर्स देखने को मिल जाएंगे। 4 या फिर 6 या फिर 7 एयरबैग्स मिसिंग। वर्स्ट केस तो ये है दोस्तों कि रेनो की ट्राइबर के टॉप एंड वेरिएंट में, जो कि 6,78,000 रुपीज में आता है, उसमें आपको 4 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। निसान की किक्स में आपको 4 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। फोर्ड की लगभग हर एक गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। यहाँ तक कि उनकी खुद की सेल्टॉस में भी आपको 6 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं, लेकिन किया कार्निवल के बेस वेरिएंट में आपको 6 से 8 एयरबैग देखने को नहीं मिलते। किया कार्निवल के इस वेरिएंट में दोस्तों आपको 360 डिग्री व्यू कैमरा नहीं मिलता। फ्रंट में को पैसेंजर की सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, जबकि MG हेक्टर में को पैसेंजर की सीट आपको 4-वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिल जाती है। इस वेरिएंट में आपको किसी भी तरीके से हेडलैम्प वॉशर्स नहीं मिलते। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड इम्पॉर्टेंट इज हैंड्स फ्री पार्किंग का ऑप्शन भी आपको इस गाड़ी में नहीं मिलता दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 40 फीचर्स मैंने यहां पर आपको बताए हैं वो आपको ठीक से समझ में आए होंगे। इमेजिन कीजिए दोस्तों, 25 लाख रुपए की गाड़ी अगर आप खरीद रहे हैं और उसमें आपको सनरूफ ही ना मिले। ऐसे कई सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, जो कि गिमिक फीचर्स नहीं है एंड दे रियली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस कार,
विच आर मिसिंग। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह, जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।